नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जाम में फंसी एम्बुलेंस घंटों बजाती रही सायरन, मगर नहीं मिली निकलने की जगह। इस वीडियो पर साफ दिख रहा है कि कितना लंबा जाम लगा है। गोविंद नगर के तीनों पुलों पर कई किलोमीटर तक लगा भीषण जाम, कई घंटों रेंगते रहे वाहन। वाहन चालकों को समस्या का करना पड़ा सामना। वहीं जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के बीच जाम खुलवाते छूटे पसीने। आपको बताते चले कि दादा नगर रेलवे क्रॉसिंग पुल पर लोडर की टक्कर लगने से फाटक का गेट टूट गया, जिसके बाद से जाम लगना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा जाम करने के बाद देर रात इतना ज्यादा जाम लग गया कि घंटों तक जाम लगा रहा। सभी थाने के फोर्स जब मौके पर पहुंचे तो धीरे धीरे जाम खुलवा कर लोगों के निकलने का रास्ता बनाया गया, जिसके बाद एक एक करके वाहन निकल सके। वहीं जाम के बीच घंटों एम्बुलेंस भी फंसी रही। वहीं आपको बता दें कि यहाँ कोई पहला जाम नहीं था। दिन हो या रात, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से अधिकतर उल्टी साइड से आ रहे वाहनों के कारण हर रोज जाम लगता है। ज्यादा लंबा जाम लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आती है। बुधवार को भी ट्रैफिक पुलिस और क्षेत्रीय पुलिस की मदद से जाम खुलवाया गया। आज सही किया जाएगा दादानगर का रेलवे फाटक का गेट। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट।